पुलिस ने पकड़ा चेकिंग के दौरान गोवंश का मांस। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मारुति वैन से गोवंश का मांस जब्त किया। पुलिस को देख जब मारुति चालक ने गाड़ी को तेजी से भगाने की कोशिश की तो पुलिस ने पीछा शुरू किया। इस दौरान गोवंश का मांस ले जा रहे दो युवक गाड़ी को रास्ते में छोड़कर भाग गए। खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंच गए। काफी रोष से भरे कार्यकर्ता गोवंश के मांस को ले जा रहे युवकों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। स्थिति को भांप इंदौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली और वाहन को जब्त कर थाने ले आई। मध्य प्रदेश में गोकशी प्रतिबंधित है, बावजूद इसके इंदौर के आसपास बड़ी संख्या में गोकशी की जाती है और मांस इंदौर में बिकने के लिए लाया जाता है। पूर्व में भी कई बार गोवंश का मांस संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। आक्रोश से भरे कार्यकर्ता पुलिस के सहयोग और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद संतुष्ट नजर आए। इंदौर से प्रीतेश जैन की रिपोर्ट। आज जो है हमारी जो है रोजाना की बात, चाणकपुरी चौराहे में चेकिंग लगी थी और चेकिंग में हमारे जो है वहाँ पुलिस स्टाफ लगा हुआ था। ये जो गाड़ी है MP09BD4828, ये देखी कि ये पुलिस जो है चेकिंग कर रही है तो इसने बैक करके और वो वैशाली नगर तरफ भागने का प्रयास किया। पुलिस जो है उसके पीछे गई और वहाँ जो है वो उसमें गाड़ी का चालक और उसमें जो एक आदमी और बैठा हुआ था वो गाड़ी छोड़ करके भाग गया है। उसमें जो है प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जो है गाय का मांस हो सकता है, जिस पर कि अपराध जो है धारा 459 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम का दर्ज कर लिया गया है और आगे की विवेचना की जा रही है।